podcast. मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी का पूजन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति, जो लक्ष्मी जी के मामले में धन की स्थिति जो है वो खराब, जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का वो घटकर 545 अरब डॉलर का हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम हो गया। कहें तो 8 हफ्ते में 8 अरब डॉलर भी लगातार गिरावट आ रही है। इसके कारण दो हैं, एक तो बताया जा रहा है कि जो रुपए का रेट गिर रहा है उसको डॉलर के मुकाबले, उसको बचाने के लिए आरबीआई लगातार डॉलर को बेच रही है। दूसरा जो है आयात, भारत से आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, यह सबसे बड़ी है कि आयात ज़्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है, इसलिए आयात करने के लिए, आयात प्राप्त करने के लिए आयातक जो है वो डॉलर की खरीद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है भारत के साथ इस समय वर्तमान की, भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे कम होती है। जैसा आपको भी पता है कि 45 वर्ष में भारत सबसे बड़ी बेरोजगारी का जो दर है उससे जूझ रहा है, चारों तरफ बेरोजगारी है। जिस भी सेक्टर में देखिए वहाँ पे छटनी हो रही है, वहाँ कंपनियाँ बंद हो रही हैं या छटनी शुरू हो गई है। यह सबसे बड़ी स्थिति जो है इस समय देश में है, जो 8 वर्ष जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, 8 वर्षों में यह उनके 8 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है, यह उनके 8 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड है जो भारत को झेलना पड़ा उनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण। पहला उन्होंने गलती यह की कि उन्होंने गलत तरीके से नोटबंदी किया। दूसरा उन्होंने जीएसटी का एक कानून लाया जिसको बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही मतलब गंदे तरीके से उसको पेश किया गया और उसके क्रियान्वयन भी बहुत गंदे तरीके से किया गया, उसके कारण वो नाकाम रही वो पूरी योजना और काफ़ी उसमें लगातार, उसमें अभी भी जीएसटी बढ़ाना घटाना लगातार चल रहा है और लोगों को पता ही नहीं जीएसटी भरना कितना है, कितना जाना है, कितना है। तीसरी चीज जो हमारे देश में जो खाद्यान्न है उसका भी संकट खड़ा होने वाला है, उसके पीछे दो कारण है। एक तो जो सरकार है वह निजी हाथों में खाद्यान्न देना चाहती है। जैसा आपको मालूम है 3 काले कानून, कृषि के काले कानून सरकार लाई थी, उसको वापस कराने के लिए किसानों ने, हम सब ने आंदोलन किया, 13 महीने का आंदोलन के बाद सरकार को वापस देना पड़ा, लेकिन अभी भी सरकार जो MSP पे खरीद नहीं कर रही, MSP घोषित कर रही है लेकिन MSP पे जो खरीद होनी चाहिए वो खरीद नहीं है। काफ़ी समय से भारत के खाद्यान्न जो भंडार है वो उसमें भी कमी आती जा रही है और गेहूं और धान यानी चावल का भी जो इस बार जो अति बारिश हो गई है या सूखा पड़ गया उसके कारण धान की फसल भी कम हुई। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत में जो आर्थिक संकट तो है ही है, खाद्यान्न का संकट भी खड़ा होने वाला है। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार प्रोत्साहित नहीं कर रही है, प्रोत्साहन होना चाहिए, प्रोत्साहन से ही किसी चीज़ में विकास होता है। जब MSP की खरीद होगी या गारंटी होगी MSP की तो उससे हमारे देश के किसानों को उपज बढ़ाने में एक स्टिमुलस मिलता है, यानी उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, उससे वह अपनी उपज को बढ़ाते हैं। जब उनको मालूम है कि हमें मार्केट में इसका रेट ही नहीं मिलना तो उपज धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अगर गेहूं का भी रेट नहीं उन्हें मिलेगा और धान का भी रेट नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे इसके प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी और भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, अभी तो जनगणना हो नहीं, इसलिए जानकारी है नहीं। सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर एक और है, वो भारत के अंदर एक और समस्या ये है कि वर्तमान में जो सरकार है वह इन सब नीतियों से, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वह आर्थिक स्थितियों के डमाडोल जो भारत में हो रही है वो स्थितियां हो, चाहे वो कृषि का मामला हो, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए वह मात्र सांप्रदायिक एजेंडे पे चल रही है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान तालिबान और यही सब करके आपस में लड़ाने का काम, देश में ध्यान से भटकाने का काम ये वर्तमान की सत्ता कर रही है। अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जो है वो परफॉर्म करने में नाकाम साबित हो चुके हैं। लिस्ट्रस ने
इंग्लैंड की जो या यूके की जो प्राइम मिनिस्टर थे लिज ट्रस, वो 45 दिन के अंदर वह अपने जब उसने जिस चीज़ के लिए उसको लाया गया था वहाँ की आर्थिक स्थिति डमाडोल हुई तो लिज ट्रस ने को इस्तीफा देना पड़ा। वो आई और उसने कहा कि जिस चीज़ के लिए मुझे लाया गया था, जिस चीज़ के लिए मैं प्रधानमंत्री चुनी गई थी, वह मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। लेकिन भारत के अंदर लगातार 8 सालों से लगातार भारत का विकास दर कम होता जा रहा है, भारत हर पैमाने पर कम होता जा रहा है, मतलब हर पैमाने पर, चाहे वो हंगर इंडेक्स देख लीजिए 107वें स्थान पर पहुंच गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भी कम, वो की रिपोर्ट में भी कम है, रिलीजियस उसमें भी उसकी उसकी रेटिंग कम होती जा, रैंकिंग कम होती जा रही है। तो भारत हर जगह हर पैमाने पर, चाहे किसी भी पैमाने पर आप ले लीजिए, भारत कम होता ही गया है। मुझे लगता है अगर नैतिकता हिंदुस्तान के अंदर हो और वर्तमान के सरकार या प्रधानमंत्री की नैतिकता हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि भारत के अंदर नैतिक बल नहीं है। नैतिक बल था लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर कि उन्होंने एक एक्सीडेंट होने पर रेल मंत्री रहते हुए, निर्मलवान रेल मंत्री होते हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस देश के अंदर लगातार गिरावट आ रही, जैसा मैंने बताया मुद्रा को, विदेशी मुद्रा कोष में कमी हो गई, बेरोजगारी का आलम देश में सबसे ज़्यादा है, खाद्यान्न संकट की ओर भारत बढ़ रहा है, और भी बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीज़ों में जो कमियां आ रही हैं देश के अंदर वो तो हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी देश के अंदर बहुत कई राज्यों में बिगड़ी हुई है, लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल देश के अंदर है, नफरत का माहौल है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब परिस्थितियों में भारत जो है विकास के नए पैमाने पर, नए ऊंचाई पर जाएगा। इससे तो और भी एडवर्स सिचुएशन पे भारत पहुंचेगा। हो सकता है डॉलर जो 83-84 हो रहा है वो हो सकता है आने वाले दिसंबर जनवरी तक हो सकता है वो 100 के पार चला जाए, तो भारत की स्थितियां और भी खराब होंगी। बांग्लादेश हमारे अगल बगल, हमारा टका जो है, हमें जो है रुपये को हमेशा चैलेंज कर रहा है, कभी कभी टका भारत के रुपये से भी ऊपर पहुंच जा रहा है कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए फिर वापस, वो अलग विषय। लेकिन भारत के अंदर जो प्रगति होनी चाहिए थी, जिन जिन क्षेत्रों में प्रगति होनी, खुशहाली आनी चाहिए थी, वो खुशहाली इस बार नहीं है। इस बार जो दिवाली जो मन रही है भारत के अंदर, मुझे लगता है ये दिवाली भारत के लिए बड़ी आर्थिक संकट के बीच में ये दिवाली चल रही है। इस बार मार्केट भी सूने पड़े हुए हैं, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं है। यह भी एक है कि एक आदमी कितने प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल, चार मोबाइल, एक घर में 10-10 मोबाइल, 20-20 कितने मोबाइल खरीद लेगा, गाड़ियां कितनी खरीदेगा, भारत के अंदर मोटरसाइकिल्स कितनी खरीदी जाएंगी। धीरे 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 चीज़ें सेचुरेशन पॉइंट पे आ गई हैं। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो नीतियां हैं, वह नीतियां जो कंज्यूमरिज्म को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, वो कंज्यूमरिज्म भारत के अंदर सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। लोगों के पास अब पैसा है ही नहीं खरीदने के लिए, और दूसरी चीज़ लोगों प्रोडक्शन भी कम होता जा रहा है, और प्रोडक्शन कम होने के कारण भारत जो है निर्यात भी नहीं कर पा रहा है, निर्यात भी धीरे 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 भारत का कम होता जा रहा है। यह सब स्थितियां भारत के लिए बहुत ही एडवर्स हैं। और मैं आप सबको मैं क्या कहूँ, दिवाली जो है हमारे देश के लिए, मैं तो आशा करूंगा कि नया सवेरा लाए, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं उससे हमें लगता है कि भारत जबरदस्त आर्थिक संकट के बीच में जाने वाला है, जबरदस्त रिसेशन आने वाला है भारत के अंदर, आर्थिक मंदी भारत की मार्केट को फिर से पकड़ने वाली है, भारत कमज़ोर होता जा रहा है, चाहे सीमाओं को ले लीजिए, चीन घुसपैठ करता जा रहा है, पाकिस्तान भी आंखें दिखाता रहता है, कभी कभी नेपाल भी हमें भारत को आंखें दिखा रहा है। तो हर पैमाने पर, चाहे सीमाओं का मामला हो, चाहे वो विदेशी अपने व्यापार हो, चाहे विदेशी कूटनीति हो, सब में भारत धीरे 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 कमज़ोर साबित हो रहा है, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो समाज में सद्भाव की नीति हो, चाहे कोई सारी नीतियां, इन सारी नीतियों पर ये सरकार फेल हो चुकी है और नाकाम हो चुकी है। और मुझे लगता है कि लिज ट्रस से अगर प्रेरणा हो, प्राप्त हो,
तो वर्तमान के प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दें और इस नाकामी का उत्तरदायित्व लेते हुए देश से माफी मांगें। धन्यवाद साथियों।